ये देख रहे क्या है ये? क्या है? तावीज है ना, तावीज है ये। इंडिया पाकिस्तान में आम है, इसको लोग क्या कहते हैं, इसमें कुरान मजीद है। हालांकि कुरान मजीद की आयत इसमें नहीं होती, आमतौर से हमने खोल के देखा है, कुरान की आयत नहीं निकली, पहली बात। दूसरी बात, अगर कुरान की भी आयत है तो क्या कुरान की आयत लटकाने से फायदा है या कुरान की आयत पढ़ने से फायदा है? दुआएं लटकाने से फायदा है या दुआएं पढ़ने से फायदा है, बोलिए। अगर कोई कहता है नहीं ये कुरान लटकाने से फायदा है, तो कुरान को अल्लाह ने शिफा कहा, तो उसको अगर लटकाने से फायदा है तो अल्लाह ने शहद को भी शिफा कहा है ना, तो शहद को लटका लिया जाए तो फायदा होगा या शहद को खाएंगे तो फायदा होगा? जमजम पानी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिफा कहा, जमजम पानी को लटकाएंगे तो शिफा होगा या ये पियेंगे तो शिफा होगा? इसी तरीके से कुरान पढ़ेंगे तो शिफा होगा, कुरान दुआएं पढ़ेंगे तो शिफा होगा, लटकाने से शिफा नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम जब किसी मरीज के पास जाते तो दुआ करते, اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मरीज के लिए दुआ करते थे, उसको तावीज नहीं देते थे कि लटका लो, है कि नहीं? तो इस तरीके से कुरान के पढ़ने से शिफा है, कुरान दुआएं पढ़ने से शिफा है, लटकाने से शिफा नहीं है मेरे भाई, इसलिए ये सब काम नहीं करना मेरे भाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को तावीज नहीं दिया, ना अपने बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को, ना अपनी बीवी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को, ना अपने नवासे हसन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को, किसी को नहीं दिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के लिए दुआ करते, वईदुकुमा बिकलिमातिल्लाहि तामा मिन कुल्लि शैतानि वहामा मिन कुल्लि ऐनिल लामा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तरह दुआ करके हसन हुसैन के लिए दुआ किया करते थे, क्यों उनको तावीज़ गले में डाल देते? बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाया, कहा मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तावीज़ लटकाया उसने शिर्क किया। तो तावीज मेरे भाई इस्लाम में नहीं है, दीन में नहीं है। अब इसके बाद लटकाएंगे, बोलिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई काम करेंगे? नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे ना, क्यों नहीं बोल रहे? यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो इसमें तावीज भी पहनना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत है, करेंगे ये मुखालफत? नहीं करेंगे। सीधी सी बात है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है वो करेंगे, जो साबित नहीं है वो नहीं करेंगे। सीधी सी बात, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुखालफत करना कोई अजर है, सवाब है, बहुत बड़ा गुनाह है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैरवी करना ये सवाब का काम है, ये नेकी का काम है, समझ गए मेरे भाई? इसलिए अगर कोई मौलवी, कोई मुफ्ती, कोई हाफिज कुरान अगर ये चीज देता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करता है। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत नहीं करेंगे, हाफिज साहब की, मौलाना साहब की, कारी साहब की, मुफ्ती साहब की मुखालफत करेंगे, क्योंकि हमको अल्लाह ने अपने साथ अपने नबी की पैरवी का हुक्म दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह वअतीउर्रसूल, ए ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। किसी मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, हाफिज साहब, कारी साहब की इताअत का हुक्म नहीं दिया गया हमको। इसलिए मेरे भाई ख्याल करें, न ये आप लें किसी से, न दे किसी को, बल्कि अगर आपने इसको निकाला किसी के गले से तो आपके लिए बड़ा सवाब और अजर। और कुरान पढ़ें, कुरान पढ़ें, कुरान पढ़ें, कुरान पढ़ने में शिफा है, कुरान समझ कर उस पर अमल करने में हिदायत है, और दुनिया में इज्जत है और आखिरत में नजात है, समझ गए ना मेरे भाई? इसलिए ख्याल कर, आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में ही इस वक्त आप, इसी जगह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन सिखाते थे, समझाते थे सहाबे किराम को, और उस पर वो अमल करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अलैकुम सुन्नती व सुन्नतुल खुल्फाए राशिदीन अल महदीयीन, लाजिम पकड़ो मेरे तरीके को और मेरे खुल्फाए राशिदीन के तरीके को, जो हिदायत याफ्ता है, समझ गए मेरे भाई? ख्याल, हम ये पैगाम दे रहे हैं, ये नहीं कि हमारी बात मानो, अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानो।